दिल्ली हाईकोर्ट के फटकार के बाद सरोजनी नगर मार्केट की तस्वीर आज से बदली बदली सी नजर आएगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां पे आदेश जारी कर दिए हैं कि सरोजनी नगर मार्केट में आज से दुकानें ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगी। 25 और 26 दिसंबर को दुकानें ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगी। साथ ही ये आदेश भी जारी किया गया है कि किसी भी तरह के अनऑथराइज वेंडर्स इस मार्केट में अब अलाउ नहीं किए जाएंगे। तमाम आदेश इस वजह से दिए गए क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। और एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लोग भारी तादाद में यहां पे सड़कों पे चल रहे थे, पांव रखने तक की जगह नहीं थी। लेकिन शनिवार की सुबह सिचुएशन कुछ इस तरह से है, सरोजनी नगर के मार्केट में आप गेट नंबर 3 से एंटर करते हैं और यहां पे अभी भी स्ट्रीट वेंडर्स अपनी जगह पे बने हुए हैं। ये अनऑथराइज्ड एक्सेस है। आप लोग अभी भी क्यों बने हुए हैं यहां पे? जी जा रहे हैं। जा रहे हैं तो ये खोला क्यों आपने? आदेश आपको पता नहीं चला था? नहीं पता है आपको? इस तरफ भी अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे भी दुकान लगा के लोग बैठे हुए हैं। क्यों लगाई है दुकान भाई साहब आपने? भैया एक घंटे का काम है, हम चले जाते हैं सुबह। तो ये तो अनऑथराइज्ड है ना, इसके लिए तो मना किया है सरकार ने अभी। सर जी एक घंटे का कमाने खाने का मौका मिलता है बस, और क्या, मैं सारा दिन थोड़ी रहता हूँ। सारे दिन नहीं रहते हैं तो? जिस तरह की भीड़ आई थी वीडियो दिख रहा था, आप ही लोगों की वजह से जाम लग रहा है। भीड़ है सुबह, थोड़ी भीड़ है। तो ये हटा लेंगे आप लोग अभी? एक घंटे आधा घंटा में जैसे दुकान खुलेगी हम चले जाएंगे। चले जाएंगे यहाँ से। तो उम्मीद यही है कि 11-12 बजे के बाद जब सरोजनी नगर मार्केट दोबारा खुलेगा तो उम्मीद ये की जा सकती है कि पुलिस प्रशासन और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कम से कम जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स का संभवतः उसे सरोजनी नगर से हटवा लेगा। और ये तमाम कदम ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसेस को लेके लिया जा रहा है ताकि कोविड 19 का कहर फिर से दिल्ली में ना बरपे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित सिंह के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। उत्तर प्रदेश में कोरोना एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है। बीते 24 घंटों में 49 नए कोरोना के संक्रमित मरीज सामने आए हैं और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुल 266 मरीज अभी तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के नए डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन की बात करें तो अभी तक गाजियाबाद में 2 मरीजों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई, लेकिन वो महाराष्ट्र से आए थे और संक्रमण की पुष्टि होने के बाद वो वापस महाराष्ट्र चले गए हैं। लेकिन कोरोना के संक्रमण की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू आज से लागू कर दिया है। नाइट कर्फ्यू लगाने के साथ ही अभियान शुरू किया गया है दुकानदारों के लिए और जो शॉपिंग सेंटर्स हैं वहां पर कि मास्क नहीं तो सामान नहीं। लेकिन बाजारों में जो लोग निकल रहे हैं वो अभी भी बिना मास्क के निकल रहे हैं। जो भीड़ है वो बददस्तूर जारी है। जो भीड़, जो सफर करने वाले लोग हैं वो उसी तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक। हम ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए मुंबई के सबर्बन इलाके दादर में आए हैं। अभी तो बाजार मानो खुल ही रहा है और अभी से आप देख सकते हैं कि क्राउडिंग की जो कंट्रोल करने की जो बात कही जा रही थी उसके नाम पर आखिर ग्राउंड जीरो में यहां पर क्या हो रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर ज्यादा क्राउडिंग होती है तो ये खतरनाक है। क्राउड मैनेजमेंट अगर नहीं किया जाता तो कोविड इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल सकता है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए क्या किया जा रहा है ये आप खुद ही देख सकते हैं। और यही जो हाल है वो तमाम मुंबई के अलग अलग बिजी मार्केट प्लेसेस का है। ये तो हम आपको तस्वीर सिर्फ दादर की दिखा रहे हैं। यहाँ ना दुकानदारों को कोई फिक्र है, ना ग्राहकों को कोई फिक्र है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो आप बात छोड़ ही दीजिए। जो मास्क होता है, बेसिक फेस मास्क, जो आपकी सबसे अहम प्रोटेक्शन कर सकता है, किसी का यहां तक, किसी का यहां तक और किसी का तो है ही नहीं। ऐसे में आखिर किस तरीके से सावधानी बरती जाएगी ये एक बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि केसेस तो और ज्यादा बढ़ सकते हैं, इसलिए बहुत अहम है कि नियम कानूनों को माना जाए। लेकिन ग्राउंड जीरो पर तो मानो नियम कानूनों की धज्जियां उड़ रही हैं। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।